इस्लामाबाद में जो है 15 शाबान का दिन किस तरीके से रहता है? सही पूरे जोश व खरोश से होता है और बिल्कुल जो पूरे एजाज़ के साथ जश्न मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप काफ़ी दफ़ा माशाल्लाह आ चुके हैं और मौला ने आपको काफ़ी दफ़ा बुलाया है, तो बहुत सारी दुआएं आप करते होंगे। क्या वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए भी दुआ करते हैं? जी, ये तो यानी कि हमारे रग रग में चीज़ शामिल है कि हम अपने इमाम को यानी कि पुकारते रहें। जैसे अमर इलाही है कि हर बंदे को अपने अपने इमाम के पीछे उठाया जाएगा, तो हमारा यानी कि तवसल इमाम हुसैन के साथ साथ जो है ना वो इमाम ज़मान की तरफ है। हर दुआ में, हर नमाज के बाद, हर तहज्जुद में, यानी कि हर मकामात पे ना अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियल फ़र्ज की सदाएँ बुलंद होती हैं। और हम यहाँ भी बहुत कुछ देखते हैं बैनुल हरमैन में, और जो करबला चैनल से दिखाया जाता है तो वो भी यही चीज़ें तकरीबन हमारी मार्फत में इजाफ़ा यानी कि पैदा करती हैं। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के साथ अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियल फ़र्ज। क्योंकि आप इस वक्त आए हुए हैं, बैनुल हरमैन में हैं इस वक्त एक तरफ, और कैसे महसूस हो रहा है? महसूस ये हो रहा है कि दुनिया में ये जन्नत है। मैंने रात बच्चों से बात हुई है, उन्हें कहा कि सब कुछ बेच दो, यहाँ आ जा, ये दुनिया में जन्नत है। और खुसूसन मेरे भाई मोहम्मद और आल मोहम्मद की मोहब्बत और ग़ुलामी सबसे बड़ा एजाज़ है, खुसूसन आले रसूल अहले बैत अतार जिनके लिए कुरान में कहा गया है। नहीं आपने पढ़ा होगा कि वो नसारा उन्होंने आयत मुबाला कुरान है ना, ये हमारी लिखी हुई और ये उसकी भेजी हुई किताब है। आयत मुबाला में गुंजाइश ही नहीं रहती। सब तारीफ अल्लाह की जात की जिसने हमें अपने दरबार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार पर हाज़िरी की तौफ़ीक दी, और हम कोशिश करते हैं कि सही अदब एहतराम से यहाँ पर हम हाज़िरी दें। और हमारे इमाम हुसैन की शहादत की जगह है जहाँ पर हमें बड़ा रंज गम और दुख की वजह से हम हज़रत इमाम हुसैन शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करते हैं। हमें बड़ा ही दिल में चाहत थी कि हम आएँ, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, रब्बुल आलमीन का एहसान है जिसने हमें अपने नबी के नवासे के दरबार में बुलाया। हर हम जितना शुक्र अदा करें जितना कम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, यहाँ पर बैनुल हरमैन में आप चूँकि घर वालों के साथ आए, काफिला है, कैसे लग रहे हैं यहाँ करबला? माशाल्लाह, करबला में जी करके हंसना ही नहीं आता। बोला करबला की बारगाह में दुआ करना है, वैसे तो हंसने के दिन भी ये नहीं, ऐसे खुशी तो होती नहीं है मौसम, लेकिन मौला हुसैन के गम दे के खुशी भूल जाते हैं। अच्छा, एक ज़ाहिर जो है, चूँकि ज़ाहिर है हम अपने इमाम के मुंतज़िर भी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमारा किरदार कैसा होना चाहिए? हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि हम पाबंद रहें मातम अज़ादारी के, या ये फ़र्ज जो काम है नमाज है वो उसी पे कायम रहें, और अमन अमान के लिए। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे जो यहाँ पर मोमिनीन आना चाहें? जी, मैं उन्हें यही देना चाहूँगा कि देखें, अहले बैत की मोहब्बत ही इंसान को कामयाब करती है, और इधर अगर आप आएंगे तो आपके दिल में कोई भी मुराद, कोई भी ऐसी चीज़ जो भी हो, पूरी हो जाती है। क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ बहुत से मौज़ात हुए हुए हैं, कई लोग करमान में रहते हैं, उनके भी बहुत मौजे हुए हैं, कई लोग किधर किधर ये देते हैं, बहुत सखी हैं, हमारे बादशाह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, मेरा ताल्लुक़ सूबे सिंध से है, पाकिस्तान के सूबे सिंध से, और डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह। मेरा नाम ज़वार मुश्ताक हुसैन चांडियो है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये जन्नत है, और इस जन्नत पे वो आते हैं जो जन्नत के मालिक होते हैं। जैसे कि ये माए शोबान की विलादतें मौला हुसैन, मौला गाजी अब्बास, सब विलादतें मौला हुसैन और मालिकों की हुई। इमाम ज़माना जैसे कि अभी 15 शोबान इमाम ज़माना की विलादत है। और इस हम क्या कहें इमाम ज़माना के बारे में कि इमाम मौजूद है, सिर्फ हमारी आँखें गुनाहगार हैं, हम इमाम को देख नहीं सकते क्योंकि हमारे आमाल से हैं। हमें चाहिए कि मौला इमाम ज़माना के लिए राह बनाएं, मौला के आमद के लिए वो प्रोग्राम रखें, मौला की जो है मार्फत वो लोगों को दें और कोशिश करें कि इमाम हमारे पास जल्द आ जाए और हमें उन इमाम के सिपाहियों में शुमार फरमाए। हम दुआ करते हैं करबला मौला में तमाम दुनिया के मुसलमानों से कि खुदा रा ऐसा काम करें जैसे हमारे इमाम का जल्द ज़हूर हो, क्योंकि हमारे इमाम बहुत ही यानी आज जो माशरा है, आजकल के जो हालात है, वो हमारे इमाम आँखों के आंसू रो रहे, खून के आंसू रो रहे। और हमें इस 15 शोबान जो इमाम ज़माना की आमद है